रोड पड़ते हैं, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में तुमने मिला दिया है MnO4 माइनस Mn2 प्लस एंड H प्लस एसिडिक मीडियम है। देख रहे हो Mn का दो ऑक्सीडेशन स्टेट कांटेक्ट में आ गया, Mn2 प्लस एंड Mn। तुमको पता है ना कि MnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाता है। अगर ये चेंज हुआ, अगर MnO4 माइनस Mn2 प्लस में गया तो कुछ न कुछ तो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अगर तुम 4H2O लिखोगे, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 8H प्लस लिखोगे और चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, ये रिएक्शन तो क्या हो गया? रिडक्शन। और अगर ऐसा हुआ तो कैथोड की एनोड क्राओ है ना, कैथोड। और इसका उल्टा हुआ, अगर Mn2 प्लस अगर MnO4 में गया तो Mn2O प्लस 4H2O तो बैलेंस है ही, तुम दोबारा क्यों करें? MnO4 माइनस 8H प्लस एंड 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा और ये रहा होगा कौन सा? एनोड। एक बात और, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर यहाँ पे वायर का प्रॉब्लम है। मेटल मेटल आयन में बड़ी आसान था, वहां पे वायर का प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे वायर का प्रॉब्लम है। तो तुमको यहाँ पे लटकाना पड़ेगा और फिर से एक ऐसा मटेरियल डालना पड़ेगा जिसमें रिएक्टिविटी ना हो, और इसको तुम वायर से बांध दोगे। कौन सा है? प्लैटिनम है ना। अगर एनोड का है तो तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एनोड में जिससे वायर बांधते हैं कैसे? मेटल मेटल आयन ऑक्सीडेशन है ना, तो प्लैटिनम इधर रखोगे। प्लैटिनम के जस्ट बाद फेज चेंज हो रहा है क्या? दोनों सब एक्वस मीडियम है। एक्वस मीडियम में कहोगे MnO4 माइनस Mn2 प्लस एंड H प्लस सब कांटेक्ट में है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए तुम रिएक्शन क्वेश्चन क्या लिखोगे? रिएक्शन क्वेश्चन लिखोगे Mn2 प्लस कंसेंट्रेशन बाय MnO4 माइनस कंसेंट्रेशन एंड H प्लस कंसेंट्रेशन टू द पावर 8। और इसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन लिखोगे उल्टा, MnO4 माइनस H प्लस टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय Mn2 प्लस लिखोगे ना। अब यहां पे क्या करोगे तुम? इसको तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लैटिनम लिखो MnO4 माइनस का, कुछ मान लेते हैं कि C1 मोलर है, Mn2 प्लस मान लो कि C2 मोलर है, H प्लस कंसेंट्रेशन मान लो कि कुछ 10^-2 मोलर है, या कोई ऐसे भी लिख सकता है क्या? और बढ़िया लिखेगा, वो लिखेगा MnO4 माइनस C1 मोलर Mn2 प्लस C2 मोलर, और H प्लस की जगह लिख देगा pH=2 है ना। ये तो एनोड के लिए, कैथोड के लिए जब लिखेगा तो कैथोड के लिए पहली बात तो ये है कि भाई प्लैटिनम सबसे लास्ट में होगा, और अब जैसे चाहिए वैसे लिखो, कुछ है ऑर्डर का नहीं है, सब तो एक्व सॉल्यूशन नहीं है। MnO4 माइनस स्लैश नहीं होगा यहाँ पे ना, स्लैश फेज चेंज होता है तब होता है। Mn2 प्लस और यहाँ पे H प्लस, समझ में आया? रिडॉक्स इलेक्ट्रोड समझ गए? देखो, अब तुमसे हम एक सवाल पूछते हैं। एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है,
सेल रिएक्शन है ZN सॉलिड प्लस MnO2 सॉलिड प्लस NH4 प्लस और प्रोडक्ट साइड है ZN2 प्लस प्लस MN3 प्लस प्लस अमोनिया प्लस वाटर, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सेल रिएक्शन हमेशा ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तुमको पहचानना है रिएक्शन एट एनोड क्या होगा। रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड। एनोड कैथोड एंड सेल रिएक्शन, ये जरा बताओ तो रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले तुमको पहचानना पड़ेगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। एक भी अगर ऑक्सीडाइज हो गया, जैसे जिंक से ZN2+ गया तो ऑक्सीडेशन तो है। MnO2 में Mn+4 में था, प्लस थ्री में रिड्यूस तो यही हुआ है। अमोनिया में नाइट्रोजन माइनस थ्री में है और इधर भी एक कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली ऐसे देखने को है। बेसिकली अमोनिया को हम काट के इधर H+ लिख देते तो काम बन जाता। इधर भी फालतू अमोनिया, इधर अमोनियम है, अमोनियम क्या होता है, अमोनिया प्लस H+। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ लिखने की कोशिश करते हैं। ZN सॉलिड से ZN2+ प्लस गया, प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये तो है ऑक्सीडेशन। और ये कहाँ हो रहा होगा, एनोड पे, यही ना, ये हो रहा होगा एनोड पे। और कैथोड पे MnO2 गया होगा Mn3+ में। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए तुम लिखोगे 2H2O और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए लिखोगे 4H+ और चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर क्या लिखोगे। लेकिन तुम्हारे पास H+ तो है ही नहीं, H+ तो अमोनियम आयन के फॉर्म में। तुम यहाँ पे क्या करोगे इसको, तुम कहोगे कि MnO2 प्लस इलेक्ट्रॉन है और 4 इसको लिख दोगे NH4+ और फिर अमोनिया को बैलेंस करने के लिए तुम कहोगे Mn3+। देख रहे हो सब रिडॉक्स का सवाल है। अमोनिया यही हो गया तुम्हारा किस पे, कैथोड का रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन लिखना हो तो सेल रिएक्शन इन दोनों के जोड़ने से बना ही है और इसको बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन एट एनोड हो गया, रिएक्शन एट कैथोड हो गया, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन करना है तुमको क्या। तुम लोग आता है मल्टीप्लीकेशन, फोर एन एच थ्री। रिप्रेजेंटेशन कैथोड का कैसा होगा, कैथोड और इलेक्ट्रोड है कैसा, हमको तो लग रहा है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, तुमको भी लग रहा है क्या। मेटल मेटल आयन है नहीं, गैस इलेक्ट्रोड है नहीं, तो रिडॉक्स ही है ना। Mn3+ भी है, MnO2 सॉलिड है, प्रेसिपिटेट बन गया होगा और एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्या रिडॉक्स रिएक्शन किसी में तार बांध सकता है क्या, नहीं बांध सकता है। MnO2 में कहाँ बांधेगा, तुमको लगाना पड़ेगा प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाद क्या है, MnO2 है, MnO2 के साथ जुड़ा हुआ है Mn3+, Mn3+ एंड अमोनिया दोनों साथ साथ है। अमोनिया क्या, अमोनियम आयन भी है, अमोनियम आयन क्या, अमोनिया भी है, वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। और एक तुम एनोड लिखोगे तो क्या लिखोगे, एनोड तो बढ़िया है, ये तो जिंक एंड ZN2+, समझ गया क्या।
और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा करोगे, जेड एन से जेड एन टू प्लस करोगे, सॉल्ट ब्रिज लगाओगे, फिर लिखोगे अमोनिया एन एच फोर प्लस एम एन थ्री प्लस एम एन ओ टू, ये सब साथ में है ना, भले ही यहाँ पे फेज चेंज लिख सकते हो, हालांकि ये दोनों कॉन्टेक्ट में है, एम एन ओ टू प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे स्लैश ना लिखते तो ही ज़्यादा अच्छा होता, यहाँ पे स्लैश नहीं लिखते तो ही ज़्यादा अच्छा होता। और इसके बाद क्या बन जाएगा, प्लैटिनम। इधर हो गया मेटल मेटल आयन, और इधर हो गया कैसा इलेक्ट्रोड, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, और यहाँ है मेटल मेटल आयन। समझ गए तुम, सेल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोड का रिएक्शन, इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन, इस पे सब। पेज नंबर 263, सॉल्व एग्जांपल 1 and 2, प्रश्न है जो तुम घर पे करना। पेज 291, प्रश्न नंबर C6 तुम हो सकता है तुम जुगाड़ से बनाए होगे, ये भी दो ना कई बार जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला। 263 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर टू का हम बता देते तुमको, डी बता देते हैं। इसमें इस तरह से कैडमियम, बातचीत मत करो, कैडमियम टू प्लस सॉल्ट ब्रिज सीएल, फिर बात कर रहा है सीएल माइनस AgCl और Ag, ध्यान रखना Ag सॉलिड अलग है और AgCl अलग है। AgCl सॉलिड भले ही दोनों सॉलिड था, यहाँ पे फेज चेंज होता है कि नहीं होता है, Ag सॉलिड इधर प्रेसिपिटेट बन के रहता है, Ag हालांकि ये भी है, ये जो Ag सॉलिड है ना जो प्रेसिपिटेट है, इस पे भी चिपकेगा, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, एग्रीगेशन होता है ना, जहां भी जगह मिलेगा वहां चिपक जाएगा, इधर वाल में भी चिपकेगा, तो अलग है ना, Ag प्लस इस पानी में घुला हुआ Ag प्लस और Ag सॉलिड है। अब इधर देखो, इधर तो हमेशा एनोड होता है, कैसे याद रखोगे, मेटल मेटल आयन, और इधर कैसे याद रखोगे, तो जब एनोड हो ही गया तो कैथोड होगा, एक कैथोड है, मेटल मेटल आयन सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल रहता तो जरूर एन आयन दिया हुआ रहता, बात समझ में आया, इनसॉल्युबल में एन आयन का रोल है, सॉल्युबल में एन आयन का रोल नहीं है। देखो यहाँ पे एन आयन दिया ना, मेटल मेटल इनसॉल्युबल है, तो तुम एनोड पे रिएक्शन क्या लिखोगे, सीडी से सीडी टू प्लस लिखेंगे, सीडी टू प्लस सीडी जब दिख ही रहा है तो एक बार और लिखने का क्या फायदा, और कैथोड पे कैसा लिखोगे, कैथोड पे रिडक्शन होना है, हम तो कहेंगे भाई असली रिएक्शन तो ये वाला है Ag प्लस टू Ag सॉलिड, लेकिन Ag प्लस इसमें मिलता नहीं है, तो Ag प्लस का Ag प्लस के जो पिताजी होंगे वो इसको Ag प्लस
प्रोवाइड कर रहे होंगे, है ना, तो नेट रिएक्शन में ए जी प्लस कैंसिल हो जाएगा, ए जी सी एल सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या सही तो है, हर बार गलत थोड़े लिखेंगे हम, सी एल माइनस, समझ गया। ऐसे तुमको और बता दे 291 पेज वाला किया क्या, सी सिक्स सी सेवन क्या, होमवर्क छोड़ो ना यहीं पे करो ना, सी सिक्स एंड सी सेवन, और फिर पेज नंबर 296 में सी फाइव एंड सी सिक्स, ये देखो इसमें सी सिक्स एंड सी सेवन, सी सिक्स देखो पेज 291, सी सिक्स हो गया है क्या, मेक कंप्लीट सेल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, तो सी डी टू प्लस सी डी ये हो गया क्या, कैथोड है राइट साइड लिखोगे इसका इलेक्ट्रोड, और जेड एन टू प्लस इसको लिखोगे लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दोगे। बी वाले में ए जी प्लस टू ए जी, देखो यहाँ पे कोई एनायन का के बारे में नहीं लिखा है, तो तुमको एनायन कैसा लेना पड़ेगा, ए जी सी एल गलती से मत ले लेना, ए जी एनओ थ्री लेना है ना, ए जी एनओ थ्री का होता है वाटर सॉल्युबल होता है, एच टू एंड एच प्लस ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे प्लेटिनम भी लिखना पड़ेगा। अच्छा इस रिएक्शन का हम ये तो कर ही सकते हैं ना, सेल रिप्रेजेंटेशन तो लिख ही सकते हैं, जैसे ए वाले में हम लिखेंगे एनोड पर लिखेंगे, तो जेड एन सॉलिड से जेड एन टू प्लस सॉल्ट ब्रिज, और फिर लिखेंगे सी डी टू प्लस टू सी डी सॉलिड। बी वाले में कैथोड और एनोड को कैसे डिसाइड करते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, तो कैथोड तो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं, एनोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना, तो एनोड कैसे लिखोगे, प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाद लिखोगे हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे प्लैटिनम, ये कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है प्लैटिनम से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से लिखा रहेगा एच प्लस डबल स्लैश, और इधर क्या है ए जी प्लस टू ए जी। सी वाले में एच जी टू सी एल टू है, कॉपर है एंड सी यू टू प्लस है, तो कॉपर से सी यू टू प्लस तो गया, कॉपर से सी यू टू प्लस लिखोगे कॉपर सी यू टू प्लस, और इस तरफ जो एनायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट है कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड में क्या लिखोगे, एच जी में तो रस्सी बांध ही सकते हो, रस्सी नहीं मतलब वायर बांध सकते हो एच जी, और एच जी के बाद जो भी है ना एच जी टू सी एल टू के साथ साथ तुमको लिखना पड़ेगा कौन सा, सी एल माइनस भी, क्योंकि सी एल माइनस के कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है कि एच जी टू प्लस का कंसेंट्रेशन क्या होगा। डी में क्या लिखोगे, सी आर टू, ये तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, पूरा पूरा रिडॉक्स है, दोनों तरफ प्लैटिनम से तार बांधना पड़ेगा, तो प्लैटिनम, और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडेशन कौन सा है एफ ई टू प्लस, एफ ई टू प्लस और एफ ई थ्री प्लस लोगे, सॉल्ट ब्रिज लोगे, सॉल्ट ब्रिज के बाद सी आर थ्री प्लस लिखोगे, सी आर टू ओ सेवन टू माइनस लिखोगे, एच प्लस भी लिखोगे, और तब जाके क्या हो जाएगा प्लैटिनम। समझ गया क्या तुम इलेक्ट्रोड रिएक्शन और इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन। सी सेवन, सी सेवन में भी क्या हो गया, ये तो इसी का है ना, डी वाले का ये है, सी सिक्स का जो डी का था सेल रिएक्शन, वही सेवन के ए का सेल रिप्रेजेंटेशन है, और बी का जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसमें उसमें कोई कॉमन नहीं, तुम लिख लोगे ना। बी में लेफ्ट साइड में जो एनोड है वो क्या है, देख रहे हो इस बार एनोड Cl2 से Cl- जा रहा है, फिर भी ऑक्सीडेशन है, Cl2 से Cl- तो रिप्रेजेंटेशन है ना, तो बेसिकली इसमें रूल क्या है कि जो प्लैटिनम है उसके बगल में जस्ट बगल में गैस रखना है, चाहे भले ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, तो PtCl2 Cl- Ag+, ये समझ गया ना, बड़ा वैसा है C++ जैसा है, अरे सी प्लस प्लस में नहीं, कभी कॉमन तो कभी स्लैश तो कभी क्या क्या लगाता रहता है, वैसे ही तो इसमें लगाता रहता है कॉमा तो कभी स्लैश तो डबल स्लैश, एक भी गलती किया तो गलत हो जाएगा, वैसे गलत नहीं होगा, पहचान नहीं पाएगा कि एनोड है कि कैथोड है कि क्या है।
आगे वो भी करेगा क्या? और भी था ना पेज नंबर समथिंग 290 कर ही लो जब कर रहा है तो हो गया। 296 में C5NC6 था, हो गया। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर।